नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज़। आज डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर नॉमिनेशन फाइल की शुरुआत जो है वो NC के सीनियर लीडर जनाब खालिद सोहरावर्दी साहब ने की है और वो आज नॉमिनेशन फॉर्म में नंबर 1 पे रहे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव हैं। इनसे पूछेंगे कि नंबर 1 पे आने के लिए, क्या नंबर 1 पे आप नॉमिनेशन फाइल इसीलिए किया आपने? स्वागत है सर आपका TLR न्यूज़। बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरे ख्याल में वहाँ किसी और ने भी फार्म भरा है, मुझे कोई इंडिपेंडेंट करके कोई लड़का है उसने भी फार्म भरा है, लिहाजा ये जान के हम कागज़ों पे नंबर 1 नहीं रहना चाहते हैं असल में, हकीकत में, क्योंकि इस वक्त वक्त की ज़रूरत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने आ जाए। अब एलाइड पार्टनर हैं हम तो पार्लियामेंट में भी अच्छी खासी यहाँ हमको लीड मिली थी, तो आज हम फिर आपस में मुश्तरका तौर पर खड़े हैं तो उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट रहे। लेकिन लोग पूछेंगे कि इतनी जल्दी क्या थी, हमने कोई कांग्रेस का वर्कर वहाँ पे नहीं देखा, कुछ सपोर्टर नहीं देखा, कोई लीडर नहीं देखा, सिर्फ NC के लोग थे। अगर आप अलायंस में थे तो वो क्यों नहीं दिखे? अपने लीडर नहीं देखे, लोग थे कांग्रेस के भी उसमें, क्योंकि मैं जो पहले 2-3 दिन तो मुझे कश्मीर में लग गए तो अभी रात को मैं लेट पहुँचा, सुबह 3 छुट्टियाँ, ये पहली बार इलेक्शन में हमने देखा है कि छुट्टियां बीच में उनको हॉलीडे कराए, वरना एतवार को भी फार्म भरे गए। हमारे पास 6 दिनों में 3 दिन आप छुट्टियों में, बाकी कितने दिन बचे हैं, हमारे पास टाइम बड़ा कम था। वो जो फार्म भरने के लिए रैली होती है उसके लिए 10 दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके लोगों को मोबिलाइज करना पड़ा, तब आते हैं। लेकिन क्या आपने पहले तैयारी नहीं की थी, जिस तरीके से BJP जो है सालों से लगी हुई है इलेक्शंस के लिए? आप इतना समय जो है इलेक्शंस करा, तो आपने क्या पहले वोटर्स तक नहीं गए? क्या पहले आपने इस तरीके की रैलियां नहीं जो इलेक्शंस में होती, लेकिन उससे पहले क्या आपने बातचीत नहीं की अपने वर्कर्स के साथ कि इलेक्शन हो गए तो हम लड़ेंगे? बातचीत तो पहले से रही है, रब्ता हमारा टूटा नहीं होता है, ये तो पॉलिटिकल वर्कर की बात होती है, तभी तो हम इतने देर से इस मतलब मैदान में खड़े हैं। हमारी इस खसूसियत कैसे इस रैली के बारे में, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि मैं पहुंचा नहीं पहुंचा, मैं सारा उधर कश्मीर में ही था, तो जो ही पहुंचे तो हमने कहा पहली फुर्सत में आपका इतना जमेला खड़ा करना है, हालांकि पॉलिटिकल वर्क इसमें बड़ी ज़रूरत होती है ये, लेकिन चूँकि वक्त कम है, लोगों को उधर से लाना इसमें टाइम लगता है, तो बाकी इलेक्शन के सिलसिले में जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है, हमारी जो हमारा जो हमने जो मैनिफेस्टो जो बनाया है, कि खुद से नहीं बनाया है, लोगों से पूछ के बनाया, अपनी पार्टी से पूछ के, हर पार्टी के आर्गन से पूछा गया है, हर जोन से पूछा गया, हर डिस्ट्रिक्ट से पूछा गया है, और इसके अलावा पब्लिक डोमेन में रखना, हमने हज़ारों ईमेल्स हमारे पास आई और हज़ारों ईमेल्स पड़ी हैं एक एक करके जो पब्लिक ने भेजी हैं और रियासत के हर कोने से भेजी हैं। इसको थ्रेडबेयर डिस्कशन के बाद ये मैनिफेस्टो साहब के सामने आया। लेकिन अभी आप लोगों के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे उनसे, अगर डोडा डिस्ट्रिक्ट के खास करके अगर हम बात करें आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वहाँ पे लोगों से क्या वादे करेंगे, लोगों से किस तरीके से वोट मांगेंगे? तो हमने मैनिफेस्टो में बातें की हैं, वो हर जगह से जुड़ी हैं। ये जो बिजली के 200 यूनिट ये डोडा से नहीं जुड़े हैं, ये किश्तवाड़ से जुड़े हैं, रामबन से जुड़े हैं, या हर रियासत के हर चीज़ में। इसी तरह नौकरियों के बारे में हमने कहा, अभी ये कह रहे थे 3 महीने में, मैंने कहा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, मतलब आप एडवर्टीजमेंट करते हैं कि एजुकेशन में 500 पोस्टें निकली हैं, फिर साल भर के बाद भी उसका कोई आता पता नहीं होता है कब इसके इंटरव्यू होंगे,
उसके लिए हमने कहा कि 300 दिनों में हमको रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा। 300 दिनों में 180 दिन, आप 3 महीने कह रहे हैं तो हम 6 महीने कह रहे हैं, 180 दिनों में रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा होगा। लेकिन नेशनल पार्टी जो है बीजेपी, उन्होंने भी तो वादा करके वोट लिए थे लोगों से और कहा था कि हम नौकरियां। यही फर्क है ना बीजेपी और हम में, हम जो कहते हैं वो करते हैं, वो सिर्फ जुमलेबाजी है। वो आपने पिछले 10 वर्षों से देखा है, हम जब यहाँ MLA थे तो हमने जो कुछ, मतलब मैं शायद ज़्यादा बड़ा दावा ना कर सकूँ लेकिन ये कह सकता हूँ, तो इसलिए कह सकता हूँ मैं इलेक्शन में ज़्यादा वादे नहीं करता हूँ, लेकिन जो मैंने अपने जब मैं MLA था उस वक्त जो मैंने वादे किए थे इलेक्शन में सारे पूरे किए थे। मैंने कहा था सेशन कोर्ट लाऊंगा, मैंने लाई थी। मैंने कहा था मैं साइंस कॉलेज दूंगा, मैंने लाया था। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपकी अपग्रेड की थी यहाँ पर। मैंने कहा हॉस्पिटल बिल्डिंग शुरुआत करेंगे, वो लाए। मैंने कहा था डायग्नोस्टिक सेंटर लाएंगे, अपने वक्त में लाया था। और जिस जगह मैंने ये कहा हो कि मैं अगली बार जब आऊँगा तो गाड़ी में आऊँगा, जहाँ सड़क नहीं थी, और मैं गया था। लेकिन फिर लोगों का मूड बदल जाता है, इसमें क्या कर सकते हैं। जमहूरियत की यही निशानी है, आप मर्जी के मालिक हैं, जिसको चाहें वोट करें। आज भी मैं कहता हूँ, कोई मैंने कभी, आप अगर मेरी पिछले इलेक्शंस की मेरी कोई स्पीच देख लें, कोई जोर ज़बरदस्ती कभी ये भी नहीं कहा, बल्कि ये भी कहा था अच्छा नुमाइंदा चुनो, वो चुनते गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोगों का आपने कहा उन्होंने बीजेपी को भी लाया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छा काम किया, उनकी नज़र में वही अच्छा काम था। अब पछता रहे कुछ लोग, देखो यार एक एनसी से भी बहुत सारे लोगों ने पछताया है, तभी जाके तो वोट नहीं किया। नहीं, 2002 इलेक्शन में अगर आप डीप जाओगे, अब ज़ाहरा तौर पे तो इसके लिए कुछ सबूत नहीं होते हैं, लेकिन वन टू ऑल उसमें कितनी दहशत फैलाई गई थी, कौन कौन एजेंसी मुलविस थी उसमें, क्या क्या मुलविस था बता नहीं सकते, लेकिन वी नो और दे नो। उनके ही एक मुझे, मैंने जब उससे कहा कि यार बड़े डिस्कर्टियस हो, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा अफसर था, रियासती लेवल का अफसर था और रिटायर हो गया, मैंने उससे कहा था, मैंने यार बड़े डिस्कर्टियस हो, तो मेरे पास आए नहीं, कहने लगा मैं गिल्टी फील कर रहा था, बड़े काम किए। वो आप मीडिया में रह के बहुत कुछ सुनते आए हो, पता भी लगता है, ज़रूरी है हमारे मुंह से सुनना, खुद भी पता किया। लेकिन पहले जब हम देखते थे बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स होते थे, लेकिन एनसी के बहुत कम इवेंट देखने को मिलते थे, और वहाँ पे जब बीजेपी के इवेंट्स कवर करते तो वहाँ पे वो इल्ज़ाम भी लगाते थे कि सिर्फ ये इलेक्शंस के टाइम पर, ये इलेक्शंस के मैंडेट है, या ऐसे कहते थे कि इलेक्शंस के टाइम ही बाहर निकलते हैं लोगों से वोट मांगने के लिए। उनका कहना दुरुस्त है। देखो 2002 में मैं यहाँ जीता हुआ, मैं इकदार में था, उसके बाद मैं इकदार में नहीं था, तो मैंने क्यों तमाशे करने थे। ये पॉलिटिकल वर्कर करते हैं, उनको ये परवाह नहीं होती कोई बच्चा काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकानदार है, कोई ठेकेदार है, उनको भी अपने काम, उनको भी अपना घर चलाना। नहीं, मैं अपनी दुकान सजाना चाहता हूँ, मैं उस तरह का बंदा नहीं। वो अगर अपनी रोज़ी, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उस वक्त बुलाता हूँ, हर वक्त मैं ये तमाशे नहीं करता हूँ। जो पॉलिटिकल लोगों की खुराक होती है मैं नहीं करता हूँ, मैं कागजी शेर नहीं हूँ, मैं कभी इस पे भरोसा नहीं किया, अपने आप पे, ऊपर वाले पे, लोगों पे, बस इसी आता है। किस हद तक हमारा अंदाज़ा दुरुस्त हो सकता वो अलग बात है, लेकिन मैं शेयर क्या था आपको समझ नहीं पाएंगे तो वो
बेहतर है ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि पिछली बार अफेक्टिव था अलायंस दोनों जगहों पर DDC के टाइम के, DDC इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, अभी क्या अफेक्टिव हो पाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग जो पुराने हैं जिन्हें हार मिली है, अब वो तो बड़ी तैयारी करके बैठे हैं, तो वो तो अफेक्ट करेंगे। ये बात है, ये हर पॉलिटिकल वर्कर की खुराक होती है। इसमें वो जो जिनको मैंडेट नहीं मिला या उनकी सीट खुली, उनसे हमदर्दी है हमारी, उनकी जगह हम बैठे हम भी यही महसूस करते हैं। ये नहीं कि भाई उन्होंने क्या ज्यादती की है, नहीं ऐसा नहीं है। हर पॉलिटिकल वर्कर का एक तरीका होता है आगे बढ़ने का तरीका, और इलेक्शन और सिलसिले की बहुत बड़ी कड़ी होती है रेलिवेंट रहने के लिए, मैदान में रहने का इलेक्शन बहुत बड़ी कड़ी। ये अलायंस की वजह से ये चीज़ें वो इसमें नुकसान बड़े लोगों का होता है, आज उनका हो गया कल मेरा भी हो सकता था, हमारे साथियों का भी नुकसान हुआ, सिर्फ उनका भी नहीं हुआ, वेस्ट में हमारे साथियों का नुकसान हुआ, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। मथुरा में हमारे साथी पिछले 4-5 साल से मुसलसल मेहनत कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने तो पोस्टर भी निकाल दिया, नहीं तैयारी कर दी थी पोस्टर निकाल, हर पॉलिटिकल पार्टी तैयार थी, हर पॉलिटिकल पार्टी तैयार थी, उन्होंने हर जगह तैयारी। और ये जाहिर बात जो भी सियासत में होता है उसके इसके मतलब दिल तोड़ दिया वक्त के लिए, कुछ वक्त लगता है समझिए, होता है कि किसी के उसका पॉलिटिकल कैरियर पे एक स्टॉप आ जाता है किसी वक्त। लेकिन पॉलिटिकल वर्कर इरेलेवेंट नहीं होता है। एलएनसी ये कह रही थी कि हम अकेले लड़ेंगे, फिर अलायंस की ज़रूरत पड़ गई, सहारे की ज़रूरत पड़ गई। मैं इस मामले में झूठ आपसे नहीं कहता हूँ, हमको कोई ज़रूरत नहीं, आज भी हमको बड़ी बात कर रहे हैं, बिल्कुल फारूक साहब बार बार हम अपनी तकरीरों में, हमारी मीटिंग में, हर जगह ये कहा। अलायंस किसने किया, NC ने या कांग्रेस ने, मतलब शुरुआत किसने की, किसने हाथ आगे किसने बढ़ाया? सबों ने अप्रोच उन्होंने किया, लेकिन असल में आपका पूरे चुनाव बेल्ट में जो भी हमने जहाँ से भी हर जगह लोग कहते थे, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखा उसका कुछ फ़ायदा हुआ है, ये लोगों की डिमांड थी, जो वोटर की डिमांड थी, तो इस वजह से ये अलायंस करना। पॉलिटिकल वर्कर कोई नहीं चाहता है। हम किसको चुनेंगे, कहीं ना कहीं पहले क्लियरेंस होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का CM होगा। जो तो डॉक्टर नीलमन यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला बुढ़ापे में जो है CM बनना चाहते हैं, तो वो बात सही है? हमने कभी ये नहीं कहा, फारूक साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, फारूक साहब 5 बार CM रह चुके हैं, सेंट्रल मिनिस्टर उनका काज बहुत बड़ा है। कौन होगा फिर? कोई भी हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी में, हमारे पास कमी है लोगों की। इस वक्त क्या फारूक साहब इस उम्र में है कि वो मानते नहीं, पार्टी मानती नहीं, पार्टी कहती है कि उनके सरपरस्ती में जो कुछ हो उनके पास। उमर अब्दुल्ला साहब एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर हमारे पास है, एक्सपीरियंस लोग हमारे पास हैं, हमारे पास कमी नहीं है। पहले वाले इंटरव्यू में आपने मिलिटेंसी का जिक्र किया, आपने कहा कि उस समय जो है स्कूल जला लेते थे या जो पुल वगैरह होते थे वो जला लेते थे। मिलिटेंसी अभी भी शुरुआत हो चुकी है, बहुत सारी जगहों पे इंसिडेंट सुनाई देते हैं, बहुत नुकसान भी जो है इंडियन आर्मी का उन्होंने किया, यानी कि हमारा नुकसान हुआ। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि सब मिले हुए, तो उसके बाद बहुत बवाल हो जाता है उस बयान के बाद। सुनो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे इन्फॉर्म्ड आदमी है, सबसे इन्फॉर्म्ड आदमी है। डॉक्टर निर्मल सिंह उस पर ये कहते हैं कि वो सटिया गए हैं बुढ़ापे में, इसलिए बातें कर रहे हैं। यार डॉक्टर निर्मल सिंह क्या बोलूँ मैं, आप वो अपने दायरे के हैं, एक मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उनका दायरा सोच का भी, उनका प्रश्न का, हिलने जुलने का दायरा बड़ा महदूद है, वो इतना ऊंचा सोच नहीं सकते हैं, उनको ये मालूम नहीं। साथी रहे हमारे, BJP के बहुत सारे साथी हमारे साथी रहे, पॉलिटिकल पार्टी साथी होते हैं, जैसे कलीग होते हैं,
लेकिन बात समझ ही नहीं पाते, उनके समझ में ये बातें नहीं आएंगी। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मिलिटेंसी पे क्या कहेंगे? मिलिटेंसी ये कोई अच्छी बात नहीं है, अगर ये, क्योंकि इन्होंने इतने झूठ बोले हैं इसलिए हम यकीन करना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर वाकई मिलिटेंसी है, अच्छा आप नहीं मार रहे हैं, मतलब जो शहीद लोग हुए वो, बात सुन यार, जम्मू कश्मीर है, यहाँ बहुत कुछ होता है। वो 40 लोग सीआरपी के आपको दिखे नहीं, कहाँ से प्लान बने थे, कहाँ से, वो भी तो सिक्योरिटी फोर्सेस थी। और फिर बात सुनो, आप तो बहुत बड़े दावे करते हो, ये मामूली बात है कोई, यार हमारा मेजर जाए, हमारा कैप्टन जाए आर्मी का, आम हालात में आम आदमी जाए, आर्मी का मेजर जाए, पर इसका मतलब है आप जो बोलते हो आप वो है नहीं, ज़मीन कुछ और बोलती है, आप लोग कुछ और बोलते हो, ये एक्शन उसका सबूत देते हैं। तो फिर वही बोलो यार जो सच है, लोगों को क्यों धोखे में रखते हो, आवाम को क्यों धोखे में रखते हो? अगर इस वक्त वो आप ढिंडोरा पर जो पूरे हिंदुस्तान में हमने मिलिटेंसी को ख़त्म कर दिया है, यार बॉर्डर पे भी आप ही लोग हैं, आप तो नहीं ना बॉर्डर पे हैं, आप ही लोग बॉर्डर पे हैं, आप ही लोग हर फ्रंट पे हो, फिर ये कैसे आते हैं, अंदर कैसे घुसते हैं? और इस हद तक ये ट्रेंड है, इस हद तक इनके पास अम्यूनिशन है कि आर्मी के साथ मुकाबला करते हैं। ये कोई, अगर आप ही की बात मान ली जाए, ये कौन सी बड़ी, हम तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, डोडा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं ना है, कहाँ कपारा है, कहाँ कुठवा है, बीच में कितने डिस्ट्रिक्ट बीच में आते हैं। जब हम बॉर्डर पे नहीं हैं और इतने ज़्यादा रास्ते नहीं, हम पलक नहीं कर सकते हो, पूरे आप इतने 3 ब्रिगेड हैं इस एरिया में, कुछ तो बोलो कमज़ोरी कहाँ पे, कैसे आ जाते हैं? और अगर आप भी जाते हैं, वो क्या एक पिस्टल लेके आते हैं, ग्रेनेड लेके आते हैं, आदमी जेब में लेके आ जाए पता ना चले। अब जब ऐसे एम्युनिशन से मुकाबला आपका करते हैं तो कोताही किसकी है, कमियां कहाँ पे हैं, आप कैसे रोक नहीं पाते हो? बिगेस्ट आर्मी है यार इंडियन आर्मी, कोई छोटी मोटी आर्मी नहीं है, फिर ये कैसे होता है? इसका मतलब जो आप कुछ बोलते हो वो आपकी खुद समझ में नहीं आ रहा, आप सिर्फ इलेक्शन वो स्टंट की तरह बात करते हो। मेन ओकेजन जो मुल्क के होते हैं, जहाँ इंडियन पॉलिसी, मुल्क की पॉलिसी पे बात होती है, वहाँ आप इतने सतही लेक्चर देते हो तो क्या बनेगा इस मुल्क? देख रहा, कहीं ना कहीं आखिरी सवाल है मेरा कि आर्टिकल 370 35A के ऊपर हमेशा जो है कांग्रेस की बात करें हम, पहले बोलती थी, लेकिन अब कांग्रेस कहीं ना कहीं कम बोल रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बांध के रखा है, जैसे पल्लू के साथ गांठ बांध के रखते हैं कि आर्टिकल 370 वापस लेकर आएंगे, वैसे एनसी ने गांठ बांध के रखी है कि आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है? आप नहीं चाहते हो आना चाहिए, हमारे हुकूक, हमारे लोगों तक उनकी हिफाजत तो आप नहीं चाहते हो? आपके जम्मू में जो पहले बड़ा चीज़ चली गई, क्या वो आ सकती है वापस? नहीं आ सकती, क्योंकि हमने तो हमेशा सुना है कि जो चीज़ चली गई तो वो चली गई, उसको वापस कोई नहीं ला सकता। बात सुनो, एक ज़माना था, बहुत सारी चीज़ें कहते थे कि बीजेपी की 2 सीट आ गई थी, अब सवाल ही पैदा नहीं होता। वाजपेयी साहब हार गए थे, दूसरे लोग हारे, टोटल 2 सीट्स थी। आज 200 कुछ है, पिछली दफ़ा 300 कुछ थी, अब 200 कुछ। दुनिया में नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ विल होने, डिटर्मिनेशन चाहिए, विल चाहिए, कोई भी चीज़ हो सकती है। आर्टिकल 370 वापस ला सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आज 5 साल में हो, 10 साल में हो, वक्त लग सकता है। राइट विंग आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो
जो है नहीं चाहते हैं कि आर्टिकल 370 आए, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग चाहते हैं, जैसे आपके साथ भी CPIM है, CPI लेफ्टिस्ट आइडियल, हम खुद लेफ्टिस्ट नहीं हैं। देखो, हम सेकुलरिस्ट हैं, हमारा अपना एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मंशूर 1950 में बना है, नया कश्मीर, और वो चीज़ें हिंदुस्तान के आइन में भी तब नहीं थी जितने जो चीज़ हमने करी थी। हिंदुस्तान के आइन में पिछली दफ़ा कांग्रेस के दौर में राइट टू एजुकेशन हुआ, हमने 1950 में ये कर दिया था। आज भी हिंदुस्तान में लैंड टू टेलर नहीं कर पाता, अगर उन्होंने उस ज़माने में किया होता आज इंडिया में वो जो लोग सड़कों पर होते हैं वो नहीं होती। हमने एक विजन दिया था, इस वक्त राष्ट्र जम्मू कश्मीर में आप लोग कह सकते हो कि हर एक के पास अपनी छत है, भूखा नहीं सोता। जो इस वक्त जो आपका कोविड के दौरान उधर उनके हालत जो हुई थी हमारे लोगों की नहीं हुई थी, और आज भी अगर बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं स्टेट के, अपने डेवलपमेंट के इंडेक्सेस जो होते हैं, हम लोग कैपिटल सिटीज़ को देख के समझते हैं कि आसमान पर पहुंच गए हैं। फैक्टर बनता है रूरल, और रूरल पावर्टी में गुजरात हमसे बहुत आगे है। हमारा मुकाबला सिर्फ बेंगलोर, ये क्या कर्नाटका, महाराष्ट्र और दिल्ली ने किया था, बाकी कोई स्टेट हमारे साथ मुकाबला नहीं करती थी। वो सारे इंडेक्सेस ना हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, ये जो आप देखते हैं ये प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं ना, ये उन स्टेटों में सरकारी हॉस्पिटल आप कहीं आप ऐसा नहीं देखोगे। हमने यहाँ जम्मू कश्मीर में किया, और आज जो खुश हो रहे थे दफा 370 लेकर जम्मू, जब पब्लिक में हमने ये जो मैनिफेस्टो पब्लिक डिमांड हमने डोमेन में कर दिया था, जो सबसे ज़्यादा जम्मू में माइनिंग वगैरह वो पब्लिक की तरफ से जो ईमेल आई है, एक दरबार मुँह के लिए, ये जो माइनिंग के लिए, और भी दो चार, मतलब जो जम्मू को एकदम चुप गई थी, जो गवर्नमेंट जाने के 2019 के बाद उनको नुकसान उठाना पड़ा, अब तो आपको जम्मू भी साथ देगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जम्मू वाले लोग भी अब हमको कहने लगे नहीं 370 ठीक ही था। लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना जिन्होंने मोदी जी को दिल दे दिया, वोट तो छोड़िए, वो आके कहते हैं कि हमने दिल भी दे दिया, उन लोगों से कैसे वोट लेंगे आप, क्या क्या कहेंगे आखिर? देखो भाई, दिल देने वाले चंद एक लोग होते हैं, जिसको आप उर्फ आम में आजकल के मीडिया की लैंग्वेज में भक्त कहते हैं, अंधभक्त, अनभक्त, वो ज़्यादा देर, उसकी उम्र बड़ी कम होती है, और हिस्ट्री में 10-15 साल कोई मानी नहीं रखते हैं। और ये अनभक्त जब बिगड़ जाते हैं तो फिर बहुत बिगड़ते हैं। जैसे आम हालात में कोई देख के वो डाले इसको पसंद नहीं करता अलग बात है, लेकिन उस हद तक फिर बिगड़ते नहीं हैं। आपके समय में भी थे ऐसे वोटर्स जिन्होंने दिल दिया होगा एनसी को? अभी भी हैं वो, तो अभी भी हैं, लेकिन इस तरह ने जुमलों पे वो यकीन नहीं करते थे, उनको करके दिखाना पड़ता था। नहीं, लेकिन जिसने दिल दे दिया हो तो वो कम, वो जो भी आप कहोगे, ये पॉलिटिक्स बदलती रहती है, और कश्मीर की बहुत बदलती रहती। कश्मीर में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है, हम क्यों बातचीत कर रहे हैं? अगर हम बातचीत करते रहें तो दूसरे लोगों को अपना चमचा हिलाना मौका नहीं मिलेगा उसको। बड़े लोग बड़ी ताकतें हैं, लेकिन बड़ी बार बातचीत हुई है ना, तो बातचीत से सिंसियरिटी किसी बातचीत में नहीं, इलेक्शन स्टंट वक्त गुजारी के लिए, फ्रूटफुल डिटर्मिनेशन के साथ कोई बातचीत आज तक नहीं हुई। बात करें, हमने नहीं करनी है, हमने एक फैसिलिटेट करना है, हम इसके लिए इनक्रेज करेंगे, जब हमारे पास है हम तो बात करना नहीं छोड़ेंगे। जब दिल्ली की हुकूमत हमारे पास आएगी सारे मसले हल हो जाएंगे। तो आखिर में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से क्या कहेंगे? यार, वक्त को पहचानो, वक्त की पुकार क्या होती है, ज़रूरत क्या है वक्त की, हमको क्या चाहिए अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी नई नस्ल के लिए, ये
फैसला सही लो, वरना हम सब लोग तबाह हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे TLR न्यूज़। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। पूरी बातचीत हुई है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाज़त, और आप देखते रहें TLR न्यूज़। जय।